Please subscribe to our channel, and for latest updates, don't forget to press the bell button. देखिए वीकेंड की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई, जैसे मैं सबको कह रहा हूँ, और प्लस न्यू ईयर आने वाले, तो उसकी भी शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है। तो जैसे देखिए आप, आजकल थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है तो बाढ़ आ जाती है, तो ये पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आई थिंक हम मुंबई में तब भी लकी हैं कि हमारे में यहाँ मैंग्रोव्स है जो फ्लड को रोकने में बहुत मदद करता है। तो आई थिंक इसकी सफाई के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और आई थिंक हम सभी को उतना अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह कि हम एक्टर हैं तो हमारी बात लोग सुनते हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ एक्टिंग का ना सोच के लोगों के बारे में भी सोचना शुरू कर दें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी हर एक व्यक्ति को पता है कि एनवायरनमेंट जो है, जो कि ये फ्री में मिला हुआ है, तो उसको समझते हैं शायद कि शायद फ्री में मिला है तो उसको मिसयूज़ करें। बट यहाँ आके जब आप मैंग्रोव्स के बारे में बात करते हैं तो पता लगता है कि जो एनवायरनमेंट से इतनी चीज़ें हमें मिली हुई हैं उसको कैसे सुरक्षित रखें, सो दैट कि आज हमने ज़िंदगी जी है लेकिन आने वाले समय के लिए जो लोग, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो उसको कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। अगर इनको आज नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय बहुत ख़राब हो सकता है। लोगों ने खुद हाथ से जब खुद काम करते हैं तब पता लगता है किस तरह से पूरे पेड़ को प्लास्टिक ने ढक दिया है, और उसमें वो कैसे वो ग्रो होगा। अगर ये एनवायरनमेंट में ये मैंग्रोव्स नहीं रहेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इतनी जनरेट हो रही है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, कैसे ऑक्सीजन और निकली। आई थिंक इतनी कोस्टल लाइन जो है वर्ल्ड के अंदर है, अगर ये सब जगह प्रॉपरली अगर मैंग्रोव्स ही सफिशेंट हो तो हम जितना भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जितना पोल्यूशन हो रहा है, वो काफ़ी कुछ जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसकी सफाई जो आज का जो उन्होंने बानवा ट्रस्ट ने किया है और साथ में स्टेट बैंक को साथ में लिया है, तो एक बहुत अच्छा कदम है। और मेरे हिसाब से ये खुद लोग करेंगे तब पता लगेगा, ऐसे लोग सुनते सुनते पेपर में पढ़ने से नहीं पता लगेगा। तो ये जो एक्टिविटी आज जो हुई है ना, उससे मेरे साथ जागरूकता बहुत लेवल बढ़ी है। जो लोग आज खुद आए हैं अपने परिवार वालों को बताएंगे, मित्रों को बताएंगे, तो उसका जो एक धीरे धीरे प्रचार बढ़ेगा। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कदम है और इसको कंटिन्यूसली बेसिस पे करना चाहिए। सबको कम से कम एक बार अपना जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, तब पता लगेगा कि इसमें अरे कितनी प्रॉब्लम है। जब पेड़ को देखते हैं पूरा जकड़ा हुआ है प्लास्टिक से, तब पता लगता है कि अरे कैसे जी रहा होगा ये पेड़। ये बहुत बहुत अच्छी कड़ी है। जैसा कि सर ने बताया कि हमें खुद से सामने आना पड़ेगा और हम अपने हाथों से जो है जब निकालते हैं तो देखते हैं कि कितने सारे प्लास्टिक जो है पेड़ों को जमा हुआ है। ऐसे लाकर क्या फील करते हैं आप कि और हमें कितनी सफाई की ज़रूरत है और हमें कितना और आगे आना पड़ेगा? जैसे आप आए, सर आए और भी ढेर सारे पर्सनैलिटी आ रही है। वेल, देखिए शुरुआत अपने घर से करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्लास्टिक यूज़ करना आप छोड़ दें, बहुत ही हानिकारक होता है, ना केवल धरती के लिए बट अपने आप के लिए भी। क्योंकि घर पे हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर रहे होते हैं, प्लास्टिक बॉटल से आप पानी पी रहे होते हो, वो बंद कर दो आप। प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना बहुत ही ख़राब है और आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो चाहे जो पहले हम बचपन में ग्लास का वो कांच की बॉटल होती थी वो यूज़ करना स्टार्ट करें, प्लास्टिक बैग्स बंद कर दो। इनफैक्ट अच्छी बात यह कि मुंबई में अभी भी बहुत सारे मार्केट्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे है ना कपड़ों का बैग स्टार्ट हो गया, तो वो यूज़ करें और जितना हो सके लोगों को नॉलेज दें, उनको समझाएं, वो बहुत ज़रूरी है। वेल, भामला फाउंडेशन मुझे लगता है कि फैमिली है, इतने सालों से इनके साथ एसोसिएट हम सभी होते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हर साल लोग बढ़ते जा रहे हैं, उतने लोग आते जा रहे हैं साथ साथ में। आई थिंक लोगों को समझ आ गया है और भामला फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है मुंबई में और इनफैक्ट मुंबई के बाहर भी, क्योंकि हम जब एक्टर्स को जिस तरीके से आसिफ जी लेके आते हैं, क्योंकि हम एक्टर्स इन्फ्लुएंस बहुत लोगों को कर सकते हैं, तो क्यों ना अच्छी चीज़ों में हम इन्फ्लुएंस करें। और आई थिंक भामला फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और आने वाले हर साल में हम सभी इनके साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं इस फाउंडेशन को? जैसा कि भाई ने बताया कि डे बाई डे बहुत ही हम सभी बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक भामला फाउंडेशन का हमारा जो सहयोग है SBI के साथ में पिछले कुछ वर्षों के साथ है, बट जब भी हम यहाँ आते हैं तो हर बार ये फील करते हैं अगली बार और बड़ी तरीके से आएंगे। एक छोटा आज छोटा प्रोग्राम देखते हैं, लगता है अरे इससे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए था हमें। हम उसको यहाँ गेज नहीं कर पाते जब हम ऑफिस में बैठे होते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी होने वाली, जब खुद यहाँ पर प्रैक्टिकल देखते हैं तो लगता है कि भाई अभी आज हम वही बात कर रहे थे कि अभी हमें पिछले 2-3 सालों से हम इनके साथ एसोसिएट हुए हैं, बट आई थिंक आने वाले समय के अंदर और भी कई सारी एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम ये प्लान कर रहे हैं कुछ और एक्टिविटीज़ हम
जल्दी करेंगे और ये प्योरली इन्वायरमेंट के ऊपर ही हम करने वाले हैं। और मैं देखता हूँ कि जब इनकी कॉल होती है तो हमारा स्टाफ भी स्टेट बैंक का भी सबसे ज़्यादा अपने आप ही वॉलंटरली यहाँ पर पहुँच जाते हैं। राजेश काम कर रहे तो अच्छे से कर काम उधर है सर। हम लोग ने एक बार नीचे जाके गुरमीत जी को लेकर एक मिनट गुरमीत
बैठा हुआ है, सब बोला है बराबर बस इधर ही खड़ा करो खाली पीछे पीछे उधर ही उधर हमें फ्लैश आ रहा है तेरा फ्लैश आ रहा सही में फ्लैश आ रहा बस हो गया तेरा हां हां बस अभी देख ले हां बराबर अरे ऐसे ही थोड़ा सा पीछे आ दो कैमरा थोड़ा दादा हां थोड़ा आप लोग ये मांगे रे हटी तो जा Thank you. Yeah. Thank you. Thanks for all the interview. You want something swell? You want a big bite? Swell, man. किसी और को क्या बाइट करना था? हाँ, आप आपको करना. बिना मेरे साथ प्यार मेरे ऊपर मत करो बिना हेलो बिना हाँ सर पहले एक बाइट कर लेते हैं आपकी और मैडम की मैम उसके बाद अरे राजलक्ष्मी भाई जब दौड़ पे जाओ ना नीचे अरे सब लोग I request all the volunteers to please come here.
because in a few minutes from now we will have our honorable chief guest Mr. Aditya Thackeray ji here. So all the volunteers who are there on the cleaning the mangroves, we would request you all to please come here so that you all can receive. We already have Isha Gupta here. A very, very big round of applause for Isha Gupta here. A very big round of applause for Isha. Isha, there are about more than 700-800 volunteers who already started. This is the third round that is already happening, and we are waiting for the final round for you to flag off this. And who more and who better than Isha, who's an environmentalist at heart. Whenever. सी मैनग्रोव्स का काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि वो जहाँ जितने भी कोस्टल एरियाज हैं ना, वो मैनग्रोव्स जान होता है, क्योंकि जब मैनग्रोव्स होते हैं उसी वजह से जब वो टाइड्स आती है, हैवी टाइड्स, तो वो उसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं. अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे कोस्टल एरियाज को क्लीन कर रहे हैं, मैनग्रोव्स को हटा रहे हैं ताकि हम वहाँ पर सड़क बना पाएँ या और प्रॉपर्टी बना पाए, और जो हो रहा है वर्सोवा वगैरह में भी हो रहा है. तो आई थिंक मैनग्रोव्स को हम साफ़ करने का मतलब ये नहीं होता उनकी सफाई कर दें, साफ़ करने का मतलब ये होता है कि हम अपने मैनग्रोव्स को बचाएं और उन्हें फिर साफ़ करें. तो आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है. और मैं बहुत खुश हूँ कि एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू हुआ है, क्योंकि कोस्टल, हम मुंबई में हैं, हमारे कोस्टल सिटी है, लोगों को अभी तक अहमियत नहीं पता है, साफ़ नहीं रखते. अगर आप साफ़ भी नहीं रखेंगे प्लास्टिक, तो उसकी जड़ मजबूत नहीं रहेगी और फिर दोबारा फ्लड्स का प्रॉब्लम. वैसे ही तक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आई थिंक मुंबई जैसे शहर के लिए बहुत ज़रूरी है मैनग्रोव्स. And Seher and Rajlakshmi ji, you know, day by day ये जो है हमारा फाउंडेशन बहुत ही बढ़ते जा रहा है, हर कोई जो है यहाँ से सपोर्ट अफिलिएट हो रहा है. आने वाले दिनों में ये जिम्मेदारी आप लोग कैसे देखते हैं आप? सो महात्मा गांधी का एक कोट था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. So I won't talk big, I will start it from my end, from my home. I'll reduce using plastic. I've almost stopped, we have no plastic bottles at our house. I'll switch off the AC, I'll use lesser water jab tap khulla rehta hai. So apne andar se chote chote change agar aap banaoge, so overall if 8 billion people do the change, then there's no harm. And I think that mangroves itself are a first aid for our city, because it's a coastal city and Mumbai ek island hai. मैनग्रोव्स अगर प्रोटेक्टेड नहीं है एंड अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, देन मुंबई भी पूरा डिस्ट्रॉय होने ही वाला है फ्लड से. ये बार बारिश में हमने देखे थे कितना पानी आया था. एंड इंडिया इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री एंड मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़. इट्स आउट ऑफ टॉप 20 सिटीज़, मुंबई इज़ वन ऑफ देम. एंड आधे भी दूसरे सिटीज़ इंडिया के ही है जो बाकी 20 में है. आई थिंक यू नो लाइक सहर ऑल्सो सेड अभी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंदर, एक एक इंसान बहुत डिफरेंस कर सकता है. यू नो हम लोग, हमें लगता है अरे अगर हमने फेंक दिया तो क्या होगा, बट एक एक इंसान से बहुत चेंज आता है. क्योंकि अगर मैं जो चेंज चाहती हूँ वो मैं अपने घर वालों को बताऊँगी, अपने दोस्तों को सिखाऊँगी, तो आई थिंक यू नो दैट वन पर्सन अगर हम चार को सिखाएं. एक और बात यह है कि भामला फाउंडेशन से मेरा एसोसिएशन इसलिए इतने टाइम से है, क्योंकि जितना पैशन मुझ में उतना ही पैशन उसमें उनमें है. जैसे आसिफ जी ने भी बोला और सहर ने भी, सच है अगर मुझे रात को बुलाएं तो नहीं आऊँगी डिनर पर, बट जैसे आप बोलेंगे एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि आई फील सेलिब्रिटी होने का ये फ़ायदा है कि लोग हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो भी देखते हैं, फैशन हमारा फॉलो करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं मगर देखते ज़रूर हैं. तो रादर हम ऐसे कॉज को पिकअप करें जहाँ लोग देखें और हमारी आवाज़ सुने. एंड कैन आई टेल यू वन थिंग, ईशाज अवेलेबिलिटी इज़ द बेस्ट थिंग. सो शी वॉज जस्ट अ मैसेज अवे, आई आस्क्ड हर आर यू फ्री ऑन 28, शी सेड लेट मी चेक, एंड शी गॉट बैक टू मी इन 5 मिनट्स. शी सेड यस बेब आई एम फ्री, वी हैव टू स्टार्ट द न्यू ईयर ऑन अ ग्रीन नोट. And like, you know, normally actors, I have to go through a barrier to reach out to them, but she is the best, like I love her too much. Yeah, how was 2019 for you and how are you looking forward to 2020?
2019 had a lot of ups and downs, you know, whether it was career, whether it was my parents' health, whether it was my personal realization. But I think 2019 even saw a lot of change in the world in general. And 2019-2020 ka base tha. So, jo bhi aapko khona tha, kho diya, jo bhi aapko paana tha, wo bas ek base tha. And 2020, inshallah, sabke liye bahut acha hoga. And let's not make it political. I think desh ko jodte hain. 2020, like, and something about your projects also. अभी शुरू करते हैं टिप्सी की शूटिंग दोबारा शुरू होगी, क्योंकि वो हमने एक्चुअली यूके में बाढ़ आ गई थी जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हमारी बस 10-15 दिन शूट हुई और हमें वापस आना पड़ा. तो अभी फिलहाल बस वही प्रोजेक्ट है और Z5 का भी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है. थैंक यू जी. हाय, मैं हूँ ईशा गुप्ता और आप सभी को मेरे तरफ से नए साल की मुबारक. थैंक यू. So, all you young millennials, Aditya ji, they've been here from morning 7 a.m. and there've been 3 rounds of cleaning that has already been happened, but we left the final round for you and your auspicious presence, because as far as you are concerned, you've always supported and stood for environment. I still remember 8 years back when the first time, Aditya ji, when you came on Carter Road, the function on the World Environment Day. And from then you've been persistently and consistently helping and supporting any cause. I mean, not necessarily to my foundation alone, but to everybody, you know, be it the Warsaw Clean Beach or anything. So we have more an environmentalist in Aditya, my dear friend, than a politician, I would say. Now he's of course a very, very, very senior politician. So I won't miss that opportunity. Firstly, very, very hearty congratulations to have you here, and you've done tremendous work. And also a very big round of applause for Aditya ji to pursue that RA, remains RA, the trees, the mangroves are restored. So a very, very big round of applause to Aditya ji for doing this initiative. And like you always know that she is here, that he's always there for the beach cleaning, for the mangrove cleaning. He was the one who flagged off this, and Aditya ji, we are completing 30 sessions like this. Obviously, we can't call you for every of them. And now that you're here, I'm so happy and so glad. Raj Lakshmi and Seher,